नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों पेपर नवम का यूनिट फर्स्ट ये जो टॉपिक आपके चल रहे हैं उसमें आज हमारा टॉपिक है मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में हम इस चैप्टर में इस आज के जो वीडियो है आज की जो क्लास है उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था बच्चों कि मूल्यांकन गुणात्मक निर्णय देता है, अंकों को मूल्य प्रदान करता है। मूल्यांकन, मूल्यांकन जो है वो पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियों, अधिगम परिस्थितियों, विद्यालय का वातावरण, छात्र की अधिगम स्थिति, छात्र की शैक्षिक आवश्यकता, शैक्षिक प्रविधियों आदि सभी का बच्चों क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन को बच्चों हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला है रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा है आपका बच्चों योगात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन के बारे में कि इसके दो प्रकार हो सकते हैं, मूल्यांकन के दो प्रकारों की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले माइकल स्टीबन ने 1967 में कहा कि मूल्यांकन दो तरीके का होता है। एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन जिसे हम संरचनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है, एक होता है संरचित मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन? संरचित मूल्यांकन जिसे हम योगात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं। और इन दोनों प्रकारों को सबसे पहले देने वाले थे माइकल स्टीबन। माइकल स्टीबन ने 1967 में मूल्यांकन का क्या दिया, प्रकार दिया था। मूल्यांकन के इन दोनों प्रकारों को सबसे बड़ी सुंदर परिभाषा दी रॉबर्ट स्टिव। रॉबर्ट स्टिक्स ने क्या कहा बच्चों, कहा कि जब रसोईया सूप चखता है, जब रसोईया जो कि सूप बनाता है वो ही अगर उसको चखता है और उसका आकलन करता है तो वो आकलन कहलाता है बच्चों रचनात्मक मूल्यांकन। और जब अतिथि सूप को चखते हैं तो इसका मतलब है वो कौन सा आकलन हो रहा है, योगात्मक आकलन हो रहा है, योगात्मक मूल्यांकन हो रहा है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में छात्र और शिक्षक स्वयं अपना मूल्यांकन करते हैं, उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं, जबकि योगात्मक मूल्यांकन अंत में होता है, उसके आधार पर हम छात्र में भेद कर सकते हैं, छात्र की योग्यताओं का पता लगा सकते हैं, छात्र के भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। जबकि रचनात्मक मूल्यांकन जिसे हम संरचनात्मक मूल्यांकन के भी नाम से जाना जाता है, इसमें छात्र और अध्यापक इकाई पूरी होने पर स्वयं अपना आकलन करते हैं। तो अब देखो, जो संरचनात्मक मूल्यांकन है या रचनात्मक मूल्यांकन है ये अध्ययन और अध्यापन के बीच में किया जाता है बच्चों। अध्ययन और अध्यापन में जब बीच में जब इकाई पूरी हो जाती है तो वो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने के बाद हमें पता चलता है कि हमने जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया है क्या वो सही थी, क्या उसमें और सुधार किया जाना चाहिए, छात्र ने अधिगम में कितना सीखा ये छात्र स्वयं आकलन कर पाता है। और रचनात्मक मूल्यांकन की कई विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी है बच्चों, वो देखते हैं। ब्लैक एंड विलियम ने कहा कि ऐसा आकलन कई बार किया जाता है, इसकी आयोजना अध्यापन के समय होती है, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है और बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछता है तो वो जो प्रश्न पूछते हैं तो बार बार बच्चे का आकलन होता है, इसी को हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और रचनात्मक मूल्यांकन का आयोजन कई बार होता है और ज्यादातर अध्यापन के समय जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो ब्लैक एंड विलियम ने कहा कि ऐसा आकलन जो कई बार किया जाता है इसकी आयोजना अध्यापन के समय होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है हार्लिन। हार्लिन कहता है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत होते हैं और उसमें जो प्रतिपुष्टि दी जाती है
उस प्रतिपुष्टि में सहायक है आपका रचनात्मक आकलन। कहना का मतलब यह है बच्चों कि जब अध्ययन और अध्यापन दोनों का जब कार्य हो रहा होता है उस समय जो फीडबैक दिया जाता है वो किसके आधार पर दिया जाता है बच्चों, रचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिपुष्टि दी जाती है, फीडबैक दिया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन प्रतिपुष्टि में सहायक होता है और छात्रों के अधिगम के अंतर को जानता है कि कौन बच्चा ज्यादा अधिगम कर रहा है, कौन बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, कितना अधिगम कर रहा है, ये सब हम रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से समझ पाते हैं। ये परिभाषा दी हॉर्लेन ने। हॉर्लेन ने के अलावा सैडलर ने रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में कहा कि ये प्रतिपुष्टि देता है और स्वयं निगरानी, मतलब स्वयं अपने आप को पता चल जाता है कि कौन से विषय में हम अच्छे हैं, कौन से विषय में हम अच्छे नहीं है, कितना अधिगम हम कर पा रहे हैं और कितनी और ज्यादा आवश्यकता है। तो स्वयं निगरानी करता है और प्रतिपुष्टि करता है, ये कहा आपके सैडलर साहब ने। उसके बाद आती है बच्चों टूंस्टल और गिब्स ने कहा कि प्रतिपुष्टि के लिए प्रतिपुष्टि जो दी जाती है वो अध्ययन और अध्यापन के दौरान जो प्रतिपुष्टि मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है, रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से मिलती है। तो रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से बालक अपनी कमियों को जान पाता है, शिक्षक अपनी कमियों को जान पाता है और उसमें आवश्यक सुधार किया जा सकता है। इसीलिए बच्चों इस मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन जिसकी रॉबर्ट स्टिक्स ने साफ कहा कि जब रसोईया खुद सूप चखता है, मतलब खुद अपने आप का आकलन करता है बच्चों, तो उसी को हम रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। उसके बाद संरचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं देखिए बच्चों, पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के दौरान किया जाता है। जब बच्चे को इकाई यूनिट पढ़ाई जाती है तो यूनिट के बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे जवाब लिए जाते हैं। तो ये जो अध्ययन के दौरान और पाठ्यक्रम के दौरान जो मूल्यांकन होता है उसी को हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन अध्ययन के दौरान दिया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का अंग है। देखो बच्चों, अधिगम करने के लिए बच्चे को अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए, प्रतिपुष्टि मिलनी चाहिए, उसकी कमियों का पता होना चाहिए। तो अधिगम प्रक्रिया में सहायक है बच्चों रचनात्मक मूल्यांकन। इससे छात्र ये समझ पाता है कि उसने कितनी विषय वस्तु समझी है और कितनी विषय वस्तु समझनी है। जब वो किसी क्वेश्चन का जवाब देता है तो उसमें अभिप्रेरणा का विकास होता है, अधिगम क्षमता का विकास होता है। तो अधिगम प्रक्रिया का अंग माना जाता है रचनात्मक मूल्यांकन को। इसीलिए क्लास में टीचर को अध्यापन के दौरान बच्चों से प्रश्न पूछने चाहिए, उनके जवाब सुनने चाहिए, इसी को हम रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। फिर है अनौपचारिक। देखो बच्चों, विषय वस्तु से संबंधित ही बच्चे से प्रश्न पूछे जाए ऐसा नहीं है। बच्चों से वास्तविक अनुभव, तात्कालिक परिस्थितियों से संबंधित प्रश्न भी अध्यापन के दौरान शिक्षक के द्वारा पूछे जाते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है बच्चों वो अनौपचारिक होता है, औपचारिक रूप से परीक्षाओं का आयोजन नहीं होता है बच्चों, ना उसके अंकों का जुड़ाव होता है। केवल छात्र और शिक्षक समझ पाते हैं कि उसने कितनी विषय वस्तु को समझा है। इसीलिए बच्चों जो आकलन होता है उसे ही हम रचनात्मक आकलन के नाम से जानते हैं। तो रचनात्मक आकलन अनौपचारिक होता है बच्चों। फिर आता है अध्यापक व शिक्षार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। आप सब जानते हैं अपने आप खुद आकलन करता है बच्चा कि उसने कितने क्वेश्चन का जवाब दिया, टीचर ने क्या प्रश्न पूछा था, कितने बच्चों ने उसका जवाब दिया। तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर एक भावना पैदा करती है कि उसे एक अधिगम करना चाहिए। बाकी बच्चे जब क्लास में ध्यान से सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं,
प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं तो बाकी छात्रों में भी अधिगम क्षमता का विकास होता है बच्चों। तो अध्यापक व शिक्षार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि मिलती है। मान लो टीचर विषय वस्तु को पढ़ाता है, विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद जब क्लास में उसका जवाब देता है, जवाब सुनता है बच्चों को, तो उसे फीडबैक मिलता है कि जो विषय वस्तु उसने पढ़ाई है वो छात्रों के समझ में आ रही है। तो शिक्षक और छात्र दोनों को क्या देता है, प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। कौन सा मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। उसके बाद आता है अध्यापक व शिक्षार्थी को निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता करता है। क्या प्रश्नों के उत्तर देता है, शिक्षार्थी को इस बात का पता चल जाता है कि क्या शिक्षार्थी जो कर रहे हैं उनको वही करना चाहिए। ये बात जो है बच्चे को पता चल जाती है कि जब वो क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, जब बच्चे का ध्यान नहीं होता है तो वो क्लास में क्वेश्चन जो टीचर के द्वारा पूछे जा रहे हैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा है, तो बच्चा समझ जाता है कि टीचर ने यूनिट में जो उसको विषय वस्तु पढ़ाई थी उसमें उसका अटेंशन नहीं था, उसमें उसका ध्यान नहीं था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर की विषय वस्तु को ध्यान से सुनना चाहिए। तो वो अपने आप इस बात का मूल्यांकन कर लेता है। तो इसी बात का पता हमें रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से ही चलता है। उसके बाद आता है क्या अध्यापक की सामग्री सही है। अध्यापक के दिमाग में भी ये प्रश्न आता है कि जब वो विषय वस्तु पढ़ा रहा होता है उसी समय बीच बीच में प्रश्न पुटअप करता है कि जो चीज मैंने बताई है क्या वो छात्रों के समझ में आ रही है, और समझ में क्यों नहीं आ रही है, उसकी जो अध्ययन सामग्री है, विषय वस्तु बनाने का जो तरीका है उसको वो देखता है, शिक्षण विधियों में सुधार करता है, प्रविधियों में सुधार करता है, शिक्षण कौशल में सुधार करता है, जो सहायक सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री उसका उपयोग करता है। तो ये सारे जो सुधार करने का काम जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं। तो अध्यापक और छात्र के माइंड में जो बात आती है उसका जवाब देता है बच्चों कौन, रचनात्मक मूल्यांकन। फिर आता है नैदानिक और उपचारात्मक होता है। देखो बच्चों, नैदानिक का मतलब छात्र जब विषय वस्तु पढ़ता है, टीचर की बात को सुनता है, तो उसको ये पता चल जाता है कि समस्या क्या है, टीचर को भी पता चल जाता है और छात्र को भी पता चल जाता है। जब उन्हें समस्या का पता चल जाता है तो वो उसका समाधान भी कर लेते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन में नैदानिक मतलब समस्याओं को पहचानना और उसका उपचार, उसमें अध्यापक और छात्र आवश्यक रूप से सुधार भी कर सकते हैं ताकि आगे जो मूल्यांकन होने वाला है वो सही और सटीक हो। इसीलिए ये मूल्यांकन जो है बार बार समय समय पर अध्यापक और बच्चे के द्वारा किया जाता है ताकि वो समस्याओं को जान सके और उन समस्याओं को समझकर उस समस्या के समाधान के साथ अपने जीवन में, अपनी पढ़ाई में, अध्ययन अध्यापन में सुधार कर सके, उसको प्रभावी बना सके, उसे गुणात्मक बना सके। इसके लिए बच्चों रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा मूल्यांकन जिससे प्रभावशीलता का विकास होता है, गुणात्मकता में वृद्धि होती है, अध्ययन अध्यापन में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं, वो रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। फिर आता है प्रभावी प्रतिपुष्टि। देखो बच्चों, जब विषय वस्तु टीचर पढ़ा रहा होता है उस समय छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, छात्र के द्वारा भी पूछे जाते हैं और टीचर के द्वारा भी पूछे जाते हैं। जब छात्र के द्वारा टीचर से कोई प्रश्न पूछा जाता है और टीचर उसका अगर प्रभावी तरीके से जवाब देता है तो उसको प्रभावी फीडबैक मिलता है, और छात्र के द्वारा प्रश्न का उत्तर देने पर भी उसको प्रभावी फीडबैक मिलता है, इसका मतलब है कि बच्चे में कौन सा मूल्यांकन हो रहा है, बच्चे ने अपने आप क्या किया, उसमें रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रभावी प्रतिपुष्टि मिली, प्रभावी फीडबैक का निर्माण हुआ। उसके बाद आता है छात्रों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी हेतु मंच। आप सब जानते हैं बच्चों,
कि जब रचनात्मक मूल्यांकन होता है, जब बच्चे का अटेंशन नहीं होता तो वो ध्यान देता है, उसे अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है तो वो उनकी डिमांड करने लग जाता है, और जब रचनात्मक मूल्यांकन होता है तो छात्र और शिक्षक की जो कम्युनिकेशन है वो और अच्छा प्रभावी हो जाता है। छात्र कक्षा में अपनी सक्रिय सहभागिता देता है कि जितनी ज्यादा मैं कक्षा कक्ष में अपनी सहभागिता दूंगा उतना ही मेरे को रिटर्न मिलेगा, उतना ही अच्छा मैं प्रभावी अधिगम कर पाऊंगा। ये बात बच्चा समझ जाता है और कक्षा कक्ष में अपनी सक्रिय भूमिका या भागीदारी निभाता है। किसके माध्यम से? रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से। तो अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी हेतु मंच प्रदान करता है कौन? रचनात्मक मूल्यांकन। उसके बाद देखिए अभिप्रेरणा का छात्रों पर प्रभाव। आप सब जानते हैं बच्चों कि जब क्लास में बच्चे को टीचर विषय वस्तु पढ़ा रहा होता है उस समय अगर छात्र के द्वारा अच्छा जवाब दे दिया जाता है तो टीचर के द्वारा उसको फीडबैक दिया जाता है। टीचर के फीडबैक से उस बच्चे में अभिप्रेरणा का विकास होता है और वह और अच्छे से विषय वस्तु को समझने की कोशिश करता है, और जिस बच्चे ने जवाब नहीं दिया है वो ये समझता है कि मुझे विषय वस्तु नहीं समझ में आई है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वातावरण का निर्माण कर अध्ययन और अध्यापन में सुधार करने का कार्य करता है रचनात्मक मूल्यांकन। अब ये है कि बच्चा अपना आकलन करता है, उसको पहचानता है और धीरे 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 उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। कौन से मूल्यांकन में? रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चा आकलन करता है, अपनी क्षमता को पहचानता है और क्षमता को पहचानने के बाद में उसमें धीरे 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 सुधार करने का प्रयास करता है, अपनी रचनात्मकता में वृद्धि करने का प्रयास करता है, अपनी अध्ययन सामग्री में सुधार करता है। कौन? शिक्षक। उसके बाद आता है छात्र के पूर्व ज्ञान व अनुभव का निर्माण। आप सब जानते हैं बच्चों जब क्लास में टीचर आपको पढ़ाता है तो पढ़ाने से पहले वो कुछ प्रश्न आपसे पूछता है, तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न वो पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव पर आधारित होते हैं। तो छात्र जो होता है वो पूर्व ज्ञान और अनुभव से जुड़ जाता है, उसका जुड़ाव कक्षा कक्ष से हो जाता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर वो नए ज्ञान का निर्माण करने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो प्रस्तावना प्रश्न भी एक तरीके से क्या है बच्चों? रचनात्मक मूल्यांकन है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से छात्र के पूर्व ज्ञान और उसके अनुभव का निर्माण होता है। उसके बाद आता है अध्यापक को ये पता चल जाता है कि उसे कैसे पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, किन किन विषय वस्तु में किन किन प्रश्नों को समाहित करना है, किस प्रकार बच्चे को फीडबैक देना है ताकि बच्चे में अभिप्रेरणा का विकास हो सके। ये किसके माध्यम से आता है बच्चों? रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से इस बात का पता चलता है। उसके बाद आता है मानदंडों को समझने में सहायक। देखो बच्चों जब बच्चा क्लास में पढ़ रहा होता है तो मानदंड जो निर्धारित कर रखे हैं उन मानदंडों को धीरे 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 करके समझने लग जाता है कि क्लास में अनुशासन रखना है, आवाज नहीं करनी होती है, कक्षा कक्ष में जब टीचर पढ़ा रहा होता है उस समय साइलेंस रहना चाहिए, क्लास में अनुशासन रखना चाहिए, जब टीचर विषय वस्तु को समझ जा रहा है तो पूरा ध्यान हमें उस विषय वस्तु को समझने में होना चाहिए। तो ये सारे मानदंड बच्चा अपने आप ऑब्जर्व करता है, अपने आप उसको धारण करता है। बच्चों कार्य सुधार करने का अवसर। बच्चे ने देख लिया कि वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो बच्चा क्या करेगा? बार बार में उस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ेगा, अपने कार्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। टीचर के द्वारा प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न का जवाब वो नहीं दे पाया तो उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं
इस बात को बच्चा समझता है और उसमें सुधार करने का कार्य करता है। अध्ययन के दौरान जो शिक्षक ने पढ़ाया है उसकी विषय वस्तु अच्छी नहीं है, उसके द्वारा पढ़ाए गए जो माध्यम थे दृश्य श्रव्य सामग्री है वो प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाए, तो आगे से जब टीचर क्लास में पढ़ाएगा तो और अच्छे अधिगम सामग्री शिक्षण विधियों प्रविधियों शिक्षण प्रक्रियाओं इन सब के माध्यम से अपने कार्य में सुधार करेगा। तो छात्र व शिक्षक दोनों को सुधार करने का मौका देता है बच्चों कौन सा आकलन, रचनात्मक आकलन। सहपाठियों की सहायता, देखो बच्चों आप सब जानते हो रचनात्मक मूल्यांकन में सहपाठियों की सहायता कर सकते हैं और दूसरे सहपाठी से सहायता की अपेक्षा भी रख सकते हैं, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में आप किसी भी सहपाठी का साथ नहीं ले सकते, लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन में टीचर के द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु अगर आपको समझ में नहीं आ रही है और जिसको विषय वस्तु समझ में आ गई है तो आप उसकी सहायता भी ले सकते हैं और उससे सहायता की अपेक्षा भी रख सकते हैं। ये रचनात्मक मूल्यांकन में ही संभव हो सकता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में सहपाठियों की सहायता करने और सहायता की अपेक्षा रखी जा सकती है, ये है बच्चों रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के दौरान किया जाता है। संरचनात्मक मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। रचनात्मक मूल्यांकन अनौपचारिक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि देता है। रचनात्मक मूल्यांकन अध्यापक व शिक्षार्थी को निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता करता है। क्या शिक्षार्थी वह कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए? क्या अध्यापक की सामग्री सही है? यह नैदानिक और उपचारात्मक होता है। प्रभावी प्रतिपुष्टि देता है। छात्रों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी हेतु मंच प्रदान करता है रचनात्मक मूल्यांकन। छात्रों आकलन करने की क्षमता को पहचानने में सुधार करता है। अभिप्रेरणा का छात्रों पर कितना प्रभाव पड़ता है इसका आकलन करता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभव का निर्माण करता है। कैसे वह क्या पढ़ाना है ये देखता है। मानदंडों को समझने में सहायता करता है। कार्य सुधारने का अवसर प्रदान करता है और सहपाठियों की सहायता करने व अपेक्षा रखने हेतु अवसर प्रदान करता है कि आप रचनात्मक मूल्यांकन के दौरान किसी अन्य सहपाठी से सहायता ले सकते हैं और उसकी सहायता कर भी सकते हैं। ये है बच्चों आपका रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत इकाई का चयन किया जाता है कि कौन सी इकाई को पढ़ाया जाए और बच्चा अच्छे से उस इकाई को समझ में जाए। इकाई की विशिष्टता का ध्यान रखा जाता है और लास्ट में विषय वस्तु का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया के तीन अंग है। पहले इकाई का निर्माण करना है, फिर इकाई में विशिष्टता लाना है और फिर उसका विषय वस्तु जो आपने पढ़ाई है उसका मूल्यांकन करना है कि कितना बच्चों ने अधिगम किया, शिक्षण विधि कितनी प्रभावी रही, ये सब रचनात्मक मूल्यांकन के में देखते हैं। अब रचनात्मक मूल्यांकन के बाद योगात्मक मूल्यांकन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और आपने जब अगर रचनात्मक मूल्यांकन समझ में आ गया हो तो बच्चों ये जो मैंने आपको बोर्ड पर नोट्स लिखवाए हैं इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों ना केवल बीएड सेकंड ईयर बल्कि सीटेट रीट इनके लिए भी उपयोगी जो है विषय वस्तु है। तो आगे की पढ़ाई के लिए भी आपके ये वीडियोस बहुत काम आने वाले हैं। तो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें और नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों। धन्यवाद।